चलो प्रैक्टिस ए 10th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 10th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300 यानी 3300 फाइंड इट्स 28 टर्म को क्या बोलते हैं T28 अरे कंफ्यूज नहीं होने का एकदम इजी हलवा सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300 तो अपन लिख के बताएंगे गिवन सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म यानी S55 सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म को क्या बोलेंगे S55 सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज एन इज इक्वल टू 3300 है ना 3300 फाइंड इट्स टू फाइंड 28 टर्म यानी T28 फाइंड करने का है यानी ये सम ऐसा है जिसके अंदर SN भी आएगा और TN भी आएगा काई की वैल्यू दिए SN की ना तो SN का फॉर्मूला मेन फॉर्मूला आएगा क्योंकि इसके अंदर T1 TN नहीं पता है सॉल्यूशन पहले फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d करेक्ट SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d s 55a तो n की जगह पे 55 n की जगह पे 55 अपॉन 2 ब्रैकेट क्या तुम्हारे को a पता है नहीं तो 2a वैसी प्लस n पता है n कितना है 55 माइनस वन डी पता है डी नो नहीं पता है तो वैसे देयरफॉर S55 पता है S55 हाँ तो भर दो 3300 समझे ना S55 की वैल्यू कितनी है 3300 इज इक्वल टू 2 से 55 कट होता है क्या नहीं तो 55 अपॉन 2 एज इट इज ब्रैकेट 2a ये ब्रैकेट छोटी हो जाएगी क्यों क्योंकि अंदर का सॉल्व हो रहा है ब्रैकेट हट रही है 55 माइनस 1 54 और ये D बड़ा मैं 55 उसके सामने प्लस 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 बड़ी ब्रैकेट बन जाएगी छोटी ब्रैकेट क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं इतना समझ में आ गया देयरफॉर अब ये 55 अपॉन 2 को इन लोग से मल्टीप्लाई करने से अच्छा 55 अपॉन 2 को इधर भेज दो मान ना तो 3300 55 अपॉन 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है जब 55 अपॉन 2 33 के पास आ गए तो इन लोग उल्टे हो जाएंगे मल्टीप्लाई रहेगा 55 अपॉन 2 है ना ये लोग बन जाएंगे 2 अपॉन 55 55 अपॉन 2 के बीच में ब्रैकेट है ए 55 अपॉन 2 और ब्रैकेट है 55 अपॉन 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है जब ये मल्टीप्लाई बाय 55 अपॉन 2 उधर जाएगा तो डिवाइड बनेगा यानी इसका रेसिप्रोकल 55 अपॉन 2 का क्या बनेगा 2 अपॉन 55 55 अपॉन 2 का क्या बनेगा उसके पास जाके 2 अपॉन 55 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d 2a प्लस 54d कट होता है ये और ये यस 11 5s ऑफ 55 11 3s ऑफ 33 0 0 5 और 300 भी कैंसिल होगा 5 ऑन द 5 5 6 ऑफ 30 0 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d 2a प्लस 54d 2a प्लस 54d ओके चलो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू अभी लोग में कॉमन निकल रहे कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है 2 और 54 में 2 कॉमन है ना 2 कॉमन 2 को किस में 2 आएगा a से प्लस 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 54 आएगा 2 2 जा 4 1 कैरी 2 7 जा 14 15 समझ है अगेन ये ब्रैकेट ओपन मत करना अगर ब्रैकेट ओपन करेगा तो यही बन जाएगा ये 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है इसके पास आएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड 2 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू a प्लस 27d 2 1 जा 2 2 6 जा 12 0 यानी 60 इज इक्वल टू ए प्लस 27d दो वेरिएबल आ रहे हैं यानी लीनियर इक्वेशन है ना लीनियर इक्वेशन है ए प्लस 27d इज इक्वल टू 60 ये इक्वेशन नंबर 1 यहां पे मेरे को सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन मिल रही है एक ही लीनियर इक्वेशन मिल रही दूसरी लीनियर इक्वेशन मिल रही क्या नहीं चलो ये मिल गया मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया अब मेरे को T28 फाइंड करने का ना तो T28 कौन से फॉर्मूले से मिलेगा ये इतना भर दिए इसको ना प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते ना इधर उधर भेज सकते समझ है T28 सुना दिए
देखो T28 किसकी मदद से मिलेगा? TN के फॉर्मूले से. किसके फॉर्मूले से? TN. तो TN का फॉर्मूला मान लो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. क्या पॉइंट करने का? 28 टर्म T28 इज इक्वल टू A पता नहीं है अभी तक के, प्लस N चेंज हो गया, N अभी 28 माइनस 1, D पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में खाली दो चीज दिए थे, एक सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म है ना, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म और T28 फाइंड करने का, और कुछ नहीं दिए. T28 इज इक्वल टू A प्लस 28 में से 1 गया 27D, बराबर 28 उसके साइन है प्लस 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 A प्लस 27D T28. क्या ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे देखो तुमने करे A प्लस 27D कितना है? 60. और ये T28 क्या है? A प्लस 27D. A प्लस 27D की वैल्यू कितनी? 60, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दिया. तो T28 इज इक्वल टू पूरा A प्लस 27D हटा दूंगा और क्या लिखूंगा? 60. और रीजन लिखूंगा फ्रॉम वन. आ गया समझ में? A प्लस 27D है ना, इधर A प्लस 27D कितना मिला? A प्लस 27D कितना मिला? 60. तो A प्लस 27D की जगह पे 60 लिख दिया. T28 इज इक्वल टू 60. आंसर डॉट. उन लोग ने क्या बोले? फाइंड इट्स 28 टर्म. द लिखने भूल गया. द 28 टर्म इज 60. ओके.